10,000 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है और इलाकों को साफ सुथरा रखने की सलाह भी दी गई है। संभावित लक्षणों को पहचानने की सलाह और सीएम योगी ने इसे लेकर सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। मरीजों को तुरंत इलाज मिले, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। अतिरिक्त बेड की व्यवस्था हो, मरीजों को समय पर इलाज मिले। तो लगातार डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में और 13,000 के पार। स्वास्थ्य विभाग भी इसे लेकर अलर्ट मोड पर है। संवाददाता विनय लखनऊ से हमारे साथ बने हुए। विनय, लगातार उत्तर प्रदेश में डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर अलर्ट मोड पर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसे लेकर निर्देश दिए, क्या कुछ जानकारी? जी बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ डेंगू को लेकर एक समीक्षा बैठक की और लगातार डेंगू के मामले राजधानी लखनऊ समेत अगर बात की जाए तो मुरादाबाद, कानपुर और गौतम बुद्ध नगर, ये चार शहर ऐसे हैं जहां लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। पिछले 16 अक्टूबर को जब से बारिश हुई है उसके बाद से लगातार मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और बात की जाए तो इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ भी बैठक की और लगातार जो क्षेत्र हैं उनमें फॉगिंग करने के लिए और उसके बचाव के निर्देश के लिए उन्होंने समीक्षा बैठक में निर्देश दिया है। जी विनय, यानी कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। अगर अस्पताल की बात की जाए विनय, तो अस्पताल में कैसी व्यवस्था की गई है, क्योंकि लगातार डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं और कई जगहों पर ऐसी तस्वीर भी निकलकर सामने आती जहां मरीजों को काफी दिक्कत होती है। ये बता दें, अस्पतालों की बात की जाए तो सरकारी अस्पतालों में तो मरीजों की संख्या है, आधे से अधिक मरीज जो है डेंगू के हैं, लेकिन प्राइवेट जो अस्पताल हैं और जो मेडिकल कॉलेज हैं वहां भी जो है डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि जो मरीज हैं उनके लगातार उनके जो जांच हो लगातार जांच हो और समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए, उसके लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को उन्होंने बैठक में निर्देश दिया है। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहे हमारे साथ।